आइए खबरों को विस्तार से देखते हैं, लेकिन सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें। ग्वालियर में सियासी मुलाकात का दौर चल पड़ा है। प्रभात झा के घर पहुंचे हैं पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया। प्रभात झा से जयभान सिंह पवैया की मुलाकात चल रही है और दोनों के बीच एक घंटे तक बंद कमरे में मुलाकात हुई है, चर्चा हुई है। ग्वालियर चंबल में मौजूदा राजनीति पर दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई है। सुशील कौशिक संवाददाता ग्वालियर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। सुशील, जाहिर सी बात है चुनाव जब करीब आ जाता है तो बहुत सारी चर्चाओं का दौर चल पड़ता है, और खासतौर पर ग्वालियर चंबल की बात करें तो चर्चाएं ये भी हैं कि वहां तो कई सारे बड़े दिग्गज हैं, समन्वय कैसे बनेगा, क्या इसीलिए ये बैठक हो रही है? बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं ग्वालियर चंबल अंचल में खासतौर पर भाजपा में इस वक्त अगर देखें तो बड़ी अंदरूनी खींचतान चल रही है। पिछले दिनों केपी यादव ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ जिस तरह से बयानबाजी की थी, उसके बाद इमरती देवी ने केपी यादव के खिलाफ बयानबाजी की थी, उसके बाद दो दिन पहले ही कैलाश विजयवर्गीय ग्वालियर आए थे, उन्होंने जयभान सिंह पवैया के साथ ही अनूप मिश्रा से भी मुलाकात की थी। तो आज कहीं ना कहीं जब जयभान सिंह पवैया पूर्व जो है मध्य प्रदेश के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद रहे प्रभात झा के घर पहुंचे, तो निश्चित तौर पर उस दौरान सियासी मुलाकात हुई है और लगभग एक घंटे तक दोनों ने कमरे में बंद होकर बातचीत की है। और इस बातचीत के बाद जब मीडिया ने उनसे चर्चा करना चाही तो उन्होंने इस मुलाकात के सिलसिले में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। तो निश्चित कहीं ना कहीं एक घंटे की जो मुलाकात हुई है पवैया और प्रभात झा के बीच, तो उसके सियासी मायने जरूर जो है आने वाले सियासी मायने निकाले जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया सुशील आपका इस जानकारी के लिए, लेकिन बताया